हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीओ की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2056 पीओ की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन निकाली गई है और इन 2056 वैकेंसियों में 2000 वैकेंसियां हैं जो कि रेगुलर वैकेंसियां हैं और बाकी 56 वैकेंसियां जो हैं वो हैं बैकलॉग की वैकेंसियां। यहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इन सभी 2056 पीओ की वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आज से ही यानी कि 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और आप 25 अक्टूबर 2021 तक इन सभी 2056 पीओ की वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ जो फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट रखी गई है वो भी 25/10/2021 रखी गई है। यहाँ इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले इन्होंने इन सभी 2056 पीओ की वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए पीओ की कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इन सभी 2056 पीओ की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ वो सभी कैंडिडेट जो अपने फाइनल ईयर में अपीयरिंग है या अपने फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग है वो भी यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, बशर्ते ऐसे कैंडिडेट को जो अपीयरिंग बेसिस पे यहाँ अप्लाई करेंगे उनको 31/12/2021 से पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पास होने का प्रूफ जो है यहाँ इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट कराना होगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी जो क्रूशियल डेट रखी गई है क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए वो 31/12/2021 ही रखी गई है। और बात करें यहाँ पे ओवरऑल क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए जो तारीख रखी गई है यानी जिस तारीख के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी वो 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। अब इसमें आगे बात करते हैं कैंडिडेट की एज लिमिट के बारे में। यहाँ 21 से 30 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है आपकी एज लिमिट को चेक करने के लिए वो 1 अप्रैल 2021 रखी गई है। और उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में इन्होंने अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी बताया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को भी यहाँ अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहले स्टेज पे कैंडिडेट का प्रीलिम्स का टेस्ट दिया जाएगा, दूसरी स्टेज पे कैंडिडेट का मेंस का एग्जाम होगा, तीसरी स्टेज पे कैंडिडेट का इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टेज 1 के प्री के एग्जाम के बारे में। आपका जो ये प्री का टेस्ट होगा ये कुल 100 नंबर का होगा। ये पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से कुल 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ के कुल 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के कुल 35 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से कुल यहाँ पे प्री के टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का ही आपका ये पेपर होगा। कैंडिडेट को प्री एग्जाम में ये जो 3 सब्जेक्ट आएंगे इन 3 ही सब्जेक्ट को करने के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल कैंडिडेट को 1 घंटा दिया जाएगा इस पेपर को पूरा करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे सेकेंड स्टेज का मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में आपके कुल 2 अलग अलग पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें पहला पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा, ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। दूसरा पेपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा जो कि कुल 50 नंबर का होगा। बात करें मेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में तो इस पेपर को पूरा करने के लिए 3 घंटे कैंडिडेट को दिए जाएंगे, 4 अलग अलग सब्जेक्ट कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और कुल 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और बात करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर का ये सेक्शन होगा और 60 मिनट ही सेक्शन को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के कुल 35 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर इस सेक्शन के लिए रखे गए हैं और 45 मिनट का टाइम इस सेक्शन को करने के लिए दिया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे जर्नल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के कुल 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का ये सेक्शन है और 35 मिनट इस सेक्शन को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और उसके
बाद सबसे लास्ट सेक्शन में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कैंडिडेट से पूछी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन है और 40 मिनट ही सेक्शन को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कैंडिडेट को मेंस के पेपर में कुल 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को कुल 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि लेटर राइटिंग या एसे राइटिंग के क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। कुल 2 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे और ये पेपर आपका कुल 50 नंबर का होगा। और आपका जो ये प्री और मेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, इन दोनों ही टेस्ट में जो है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का स्टेज 3 का टेस्ट होगा, जिसमें कि अगर सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया तो इंटरव्यू कुल 50 नंबर का होगा, और इंटरव्यू और जीडी दोनों ही कराए जाते हैं तो इंटरव्यू 30 नंबर का होगा और ग्रुप एक्सरसाइजेस यहाँ 20 नंबर की होगी। और बात करें यहाँ पे कैंडिडेट के फाइनल सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पीओ की सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो स्टेज 2 और स्टेज 3 के एग्जाम के बेसिस पे होगा। यानी आपका जो प्रीलिम्स का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, उसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। फेज 2 जो कि कुल 250 नंबर का है, उसके नंबरों को कन्वर्ट करके कुल 75 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ वेटेज दी जाएगी। और फेज 3 में जो आपका टेस्ट होना, जिसमें कि इंटरव्यू और जीडी होगा, जो कि कुल 50 नंबर का सेक्शन है, इसको कन्वर्ट करके 25 नंबर में रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो एग्रीगेट 100 नंबर में से तैयार की जाएगी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कैंडिडेट की सैलरी के बारे में, तो प्रेजेंटली जो स्टार्टिंग बेसिक पे है पीओ की पोस्ट के लिए वो 41,960 रुपए है। और उसके अलावा बाकी के सारे अलाउंसेस जैसे डीए एचआरए वगैरह जो हैं वो एज पर रूल कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 750 रुपए रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है, यानी इन कैटेगरीज के कैंडिडेट को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की डिटेल भी बताई हुई है, जिसमें कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट की जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रखे गए हैं वो 4 रखे गए हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 7 अटेम्प्ट्स रखे गए हैं। ओबीसी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 7 अटेम्प्ट्स रखे गए हैं। एससी एससी पीडब्ल्यूडी एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। और यहाँ दोस्तों उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन बताई हुई है, कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटोग्राफ की इमेज, अपने साइन की इमेज, अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबमिट करानी है। तो इन सारी गाइडलाइंस की डिटेल अपन स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।